एक्टिव न्यूज चैनल, खबरें वही जो होती हैं सच और असरदार। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सैयद शाह एक्टिव न्यूज में आपका खैर मकदम करता हूं। देखते हैं आज की यह 400 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अयोध्या में राम मंदिर बनना है या बाबरी मस्जिद बनना है, ऐसा तकरीबन 300-400 सालों से पेंडिंग था। भारतीय जनता पार्टी हर बार यही कहती थी कि मंदिर हम बनाएंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हम लिखे थे कि 370 हटाएंगे और भव्य राम मंदिर की स्थापना अयोध्या में होगी। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट किस प्रकार से आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यानी 2.7 एकड़ राम जन्मभूमि शिलान्यास जो कमेटी है उसको दिया गया और मुस्लिम पक्षकारों को 5 एकड़ लैंड भी देने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ये बहुत ही बैलेंसिंग जजमेंट है और सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट एएसआई डायरेक्टर के मोहम्मद जी जो एक रिपोर्ट बना के गए थे उस रिपोर्ट के आधार पे ही ये जजमेंट दिया गया। यानी खाली जमीन पे मस्जिद नहीं बनी थी, मस्जिद के नीचे मंदिर तोड़ी गई थी उसी के ऊपर मस्जिद बनाया गया था, ऐसा प्रूव हुआ सुप्रीम कोर्ट में। और आज इस जजमेंट का स्वागत केवल भारत नहीं पूरा विश्व कर रहा है और मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमें बहुत ही शांति पूर्वक सहना है और इस जजमेंट को हमें स्वागत करना है क्योंकि ऐतिहासिक जजमेंट था। और मेरे मुस्लिम मित्रों को भी कहना चाहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या MIM पार्टी के लोग हो या कोई भी हो, इनकी बातों में ना आए क्योंकि ये लोग कई वर्षों से राजनीति करते आए हैं कि वहां पर मंदिर नहीं मस्जिद थी। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद में इनका एक स्टेटमेंट था कि सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट सुनाएगा उसको हम फॉलो करेंगे, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सुनाने के बाद में टोटली इनका रुख बदल चुका है, इनकी आवाज बदल चुकी है। आज विरोधी शब्दों का ये लोग उपयोग कर रहे हैं। मैं तमाम मुस्लिम मित्रों को ये कहना चाहूंगा कि इनकी बातों में ना आए। जैसे मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, तो मिलजुल कर हमें आगे बढ़ना है और राम मंदिर में भव्य राम मंदिर की स्थापना हमें करना है, यही मैं सबको निवेदन करना चाहूंगा। साथ ही साथ बीजेपी जो कहती है वो करके बताती है, 370 एक्ट हो या अयोध्या में भव्य राम मंदिर की स्थापना हो, ये तो हो गया। नेक्स्ट भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है POK। POK भी भारत देश का एक हिस्सा है और वहां पर भी यही मोदी जी और यही अमित शाह जी, पूरा विश्व देखेगा कि वहां पर भी भारत देश का झंडा लहराएगा।